दिल्ली में मिले दो बाहुबली, दुश्मनों में मची खलबली। मोदी पुतिन का सीक्रेट प्लान, खंड खंड चीन पाक और तालिबान। प्रधानमंत्री मोदी का बढ़ा जलवा, जिनपिंग इमरान की टाइट हवा। सुपर पावर को सीधा मैसेज, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कंप्यूटर से भी तेजी से शातिर चालें चलने में माहिर पुतिन ने दिल्ली का दौरा करके दुनिया को संदेश दिया कि हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती न सिर्फ कायम है बल्कि दुश्मनों के खिलाफ दोनों सीना तान कर खड़े हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच पुतिन के दिल्ली दौरे से दुनिया को फिर पता चला कि विश्व कूटनीति में पीएम मोदी का क्या जलवा है। पुतिन को दिल्ली बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से चार शिकार किए। चीन को संदेश दिया कि हिंदुस्तान और रूस का रिश्ता क्या है और जंग छेड़ी तो नतीजे क्या होंगे। पाकिस्तान और तालिबानी शैतानों को बता दिया कि अपनी सीमाओं को क्रॉस मत करो वरना भस्म हो जाओगे। और सुपर पावर को संदेश दिया कि रूस से हथियार खरीदना भारत जारी रखेगा, अमेरिका बेवजह दबाव डालकर रिश्ते खराब ना करे। दुनिया के दो दबंग, दोनों के अंदाज निराले। ये पुतिन का ही अंदाज है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को नजरअंदाज करते हुए वो दिल्ली पहुंचे। 6 घंटे में उन्होंने विश्व कूटनीति का नया चैप्टर गढ़ दिया। क्वाड को लेकर भारत से रिश्तों में आई नरमी को 18 समझौतों से खत्म किया। चीन पाकिस्तान की नाराजगी को दरकिनार करते हुए पुतिन ने बता दिया कि हिंदुस्तान से रिश्ता सिर्फ हथियार बेचने का नहीं, दिल का है और कुछ भी कीमत चुकानी पड़े दिल को चोट नहीं लगने देंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की नाराजगी की परवाह किए बगैर रूस से नए रक्षा सौदों को हरी झंडी दिखाई। दोनों नेताओं का मिजाज भी बहुत मिलता है, दोनों यारों के यार हैं और दुश्मनों के लिए कार। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजित श्रीवास्तव। पिछले 50 साल में दुनिया कई गुटों में बट गई, महाशक्तियों के बीच रिश्तों की तस्वीर बदल गई, कोई पास आया तो कोई दूर गया। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है भारत और रूस की दोस्ती का मजबूत रिश्ता। हिंदुस्तान को जब रक्षा से लेकर कारोबार तक हर क्षेत्र में सहयोग की बहुत जरूरत थी तब भी रूस साथ खड़ा था, और आज जब भारत महाशक्ति बन चुका है तब भी रूस अहम सहयोगी है। ओमिक्रॉन के संकट के बावजूद सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी के साथ 28 अहम समझौतों पर मुहर लगाकर चीन पाकिस्तान को टेंशन दे दिया। मोदी पुतिन मिले तो चीन पाकिस्तान हिले। दो दबंगों की दोस्ती, दुश्मनों की जान अटकी। S-400 का कवच, AK-203 का अचूक प्रहार। जिस तरह S-400 का निशाना अचूक है, जैसे सुखोई का प्रहार दमदार है, कुछ वैसे ही अटूट है रूस भारत की दोस्ती। ये बात पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर साफ कर दी। सोमवार को पुतिन 6 घंटे के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे और दोनों देशों के रिश्ते में नई जान डाल दी। रूस के साथ हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों दबंग नेताओं की मुलाकात ने न सिर्फ रिश्तों को और मजबूत कर दिया बल्कि इकोनॉमी को भी 6 लाख करोड़ रुपए का बूस्टर डोज दे दिया। दोनों देश हर क्षेत्र में सहयोग और समझौते के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा
कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में दोनों देश अहम सहयोगी हैं। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। रूस कई दशक से भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार रहा है। मोदी पुतिन इस भरोसे को और आगे ले जाने को तैयार हैं। भारत रूस ने 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को $50 अरब और ट्रेड को $30 अरब के पार ले जाने का लक्ष्य रखा है। 21वें शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच कुल 28 समझौते हुए हैं। इन समझौतों में व्यापार, ऊर्जा, बौद्धिक संपदा, बैंकिंग, अकाउंटेंसी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच भी 2+2 बातचीत हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी के साथ वार्ता के दौरान कहा कि हम भारत को एक महान शक्ति और भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखते हैं। पिछले साल दोनों देशों के बीच ट्रेड में 17% की गिरावट हुई थी, लेकिन इस साल पहले 9 महीनों में ही ट्रेड में 38% की बढ़ोतरी देखी गई है। This year, in the first 9 months of this year, we see an increase by 38%. रूस भारत की ओल्ड इज गोल्ड दोस्ती अमेरिका की आंखों की किरकिरी तो है ही, पाकिस्तान और चीन के लिए भी नींद उड़ाने वाली है। एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर इमरान की बेदम आर्मी इस कदर डरी है कि चीन के सामने गिड़गिड़ा रही है। रूस के साथ भारत के 2 रक्षा समझौते से अमेरिका टेंशन में है। ये समझौते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील और दूसरा है अमेठी में AK-203 राइफलों का प्रोडक्शन। रूस से बाहर पहली बार 7.5 लाख राइफलें भारत में बनाई जाएंगी। इन आधुनिक राइफलों के साथ इंडियन आर्मी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आमने सामने के युद्ध में ना तो उसके सामने पाकिस्तान के आतंकी टिकेंगे और ना ही चीन के चूजे। भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। रूस से बाहर पहली बार 7.5 लाख राइफलें भारत में बनाई जाएंगी। इन आधुनिक राइफलों के साथ इंडियन आर्मी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आमने सामने के युद्ध में ना तो उसके सामने पाकिस्तान के आतंकी टिकेंगे और ना ही चीन के चूजे। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव और आतंकी गतिविधियों को देखते हुए AK-203 राइफल भारतीय सेना के लिए बेहद जरूरी है। जल्द ही इन राइफलों का उत्पादन शुरू होगा, लेकिन अमेरिका की भौहें तनी हुई हैं। भारत रूस के बीच जब S-400 पर समझौता हुआ तब भी अमेरिका नाराज था। उसने अपने स्पेशल एक्ट के जरिए भारत पर प्रतिबंधों की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने धमकियों को दरकिनार कर रूस से समझौता किया था। S-400 की डिलीवरी शुरू होने से हिंदुस्तान के दुश्मन देश खौफजदा हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद हिंदुस्तान की नजर रूस के एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 पर है। हालांकि अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन चीन पहले से ही तनाव में है, क्योंकि भारत के पास राफेल जैसे पराक्रमी फाइटर जेट्स का पावर है और S-400 का सुरक्षा कवच भी। अगर रूस से उसे S-500 मिल गया तो हिंद की सेना किसी भी मोर्चे पर दुश्मन की गर्दन मरोड़ देगी। अगर भविष्य में S-500 की डील पर भारत रूस के बीच बात हुई तो अमेरिका का लाल पीला होना तय है, लेकिन अमेरिका को समझना होगा कि ये मोदी का नया भारत है जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा सर्वप्रथम है, देशहित से ऊपर कोई हित नहीं है। भारत ने अब तक 3 देशों से 2+2 बातचीत की है। ये हमारे क्वाड पार्टनर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड से जहां रूस खुश नहीं है, वहीं रूस के साथ द्विपक्षीय समझौतों से अमेरिका खुश नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान अपने पुराने डिफेंस पार्टनर की दोस्ती और भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। क्वाड को लेकर रूस की अपनी आपत्तियां हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि क्वाड 4 देशों के बीच मुद्दों पर आधारित सहयोग संगठन है, इसे किसी अन्य देश को परेशान होने की जरूरत नहीं है। साल 2019 में मोदी रूस के दौरे पर गए थे,
उस वक्त दोनों नेताओं के बीच 10,300 किलोमीटर के चेन्नई व्लादिवोस्तोक सी रूट पर बातचीत हुई थी। पुतिन ने 2019 में मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंट से सम्मानित किया था। मोदी ये सम्मान पाने वाले अकेले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। इसी बात से आप दोनों देशों की बेजोड़ और बेमिसाल दोस्ती का अंदाजा लगा सकते हैं। ये दोस्ती यूं ही आगे बढ़ती रहेगी क्योंकि ये दोनों देशों की जरूरत भी है और जरूरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी की कूटनीति के आगे जिनपिंग और इमरान के होश फाख्ता हैं। रूस से पिंगे बढ़ाकर चीन और पाकिस्तान तालिबान के जरिए भारत विरोधी खेल करने में जुटे थे, लेकिन पीएम मोदी ने अपने एक तीर से दुश्मनों की हर चाल को भेद दिया। अब दुश्मनों की बर्बादी का पक्का इंतजाम हो चुका है और उनके विनाश की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। ड्रैगन की टूटेगी गर्दन। आतंकिस्तान का खेला खलास। तालिबान के शैतानों पर आखिरी प्रहार। हिंदुस्तान एक तरफ आतंकिस्तान के निशाने पर है तो दूसरी तरफ शातिर चालबाज चीन है। कोड़ में खाज वाली बात यह है कि अब दोनों ने हाथ मिला लिया है और साथ मिलकर भारत को परेशान कर रहे हैं। दोनों दुश्मनों ने तालिबान को ताकतवर बनाया और भस्मासुर की तरह उसका मुंह भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश की, उसके शैतानों को पीओके तक पहुंचा दिया। इसके बाद इमरान जिनपिंग ने भारत के खिलाफ रूस को उकसाना शुरू किया और भारत रूस दोस्ती तोड़ने की कोशिश की। दोनों ने बार बार रूस के दिमाग में जहर भरा कि हिंदुस्तान अब अमेरिका के साथ खड़ा है और रूस को अलग थलग कर चुका है। लेकिन एक साल से भी कम समय में प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग इमरान की हर चाल को अपनी कूटनीति से नाकाम कर दिया। सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी ने जहां एक तरफ रूस को अपने साथ मिलाया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से भी रिश्ते मजबूत करने में सफल रहे। याद कीजिए, इमरान खान ने बाइडन से मिलने के लिए कितने पापड़ बेले थे, लेकिन बाइडन ने इमरान खान का फोन तक नहीं उठाया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो गले लगाकर उनका स्वागत किया। चीन ने हिंदुस्तान के चिकन नेक को काटने के लिए कई सीक्रेट प्लान बनाए और अरुणाचल सीमा में घिनौनी साजिशें रची। जिनपिंग सोच रहे थे कि भारत बॉर्डर पर उनकी साजिशों का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में चीन को घुटनों पर ला दिया जब उनके आग्रह पर रूस ने S-400 की फौरन सप्लाई शुरू कर दी। पीएम मोदी की महीन चाल, जिनपिंग की हलक में फंसी जान, रूस अमेरिका के बीच सुलह। अब प्रधानमंत्री मोदी वो करने जा रहे हैं जिसके बारे में चीन सोच भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी चाल चली है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उनकी पहल पर रूस और अमेरिका नए सिरे से बातचीत शुरू कर रहे हैं। दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर तनातनी बढ़ी हुई है, लेकिन अब दोनों इसका हल निकालने वाले हैं। दरअसल भारत का नंबर वन दुश्मन चीन है और अमेरिका का भी इन दिनों नंबर वन दुश्मन चीन ही है। ड्रैगन की गर्दन तोड़ने के लिए जरूरी है कि रूस और अमेरिका के बीच तल्खी खत्म हो, ताकि अमेरिका पूरा ध्यान चीन की घेराबंदी में लगा सके और प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति से ऐसा ही होने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। मोदी और पुतिन के बीच गहराती दोस्ती के कई और राज हैं। दोनों का इरादा अपने अपने मुल्क को एक मजबूत अर्थव्यवस्था में बदलना है, ताकि चीन का प्रभाव कम हो सके। इसके अलावा सामरिक ताकत को बढ़ाकर उस लेवल पर ले जाने का प्लान है जिससे दुश्मन कांपे और दोस्ती पर मजबूर हो। गलवान में भारत के बलवान ऐसा कर चुके हैं जब चीन अपने टैंक लेकर दुम दबाकर भागने को मजबूर हुआ था।
मोदी और पुतिन के बीच दोस्ती की एक बड़ी वजह उनका मिलता जुलता मिजाज है। पीएम मोदी जहां फिटनेस पर खास ध्यान देते हैं तो पुतिन फिटनेस फ्रीक हैं। इसके लिए पुतिन को जब भी मौका मिलता है घुड़सवारी करते हैं, समंदर में तैराकी करते हैं और घर में बने जिम में पसीना बहाते हैं। वहीं फिटनेस के लिए प्रधानमंत्री मोदी रोजाना योग करते हैं। इसके अलावा भी दोनों की पर्सनालिटी में कई समानताएं हैं। दोनों को अपने सैनिकों के साथ वक्त बिताना पसंद है। पुतिन अक्सर वॉरशिप में सैनिकों से बात करते देखे जा सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी हर दिवाली सेना के साथ बिताते हैं। सेना के टैंक पर सवार होकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं तो बॉर्डर पर जाकर उनसे हाथ मिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यार रुक रहे हैं बस कुछ ही पलों के लिए, लेकिन आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।